हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको काफ़ी मेस में दिखूंगी क्योंकि मैं कर रही हूँ शिफ्टिंग फिर से। पर इस बार मेरी शिफ्टिंग हो रही है, जैसे कि आप सबको पता था, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ कि मुझे दिल्ली से बॉम्बे मेरे घर ट्रांसफ़र मिल जाए। और मैंने काफ़ी मेल खेला है अपनी कंपनी के साथ और फाइनली मुझे ट्रांसफ़र मिल गया है। बट अब मेरा पहले प्लान यही था कि शायद मुझे एक डेढ़ साल तक ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, तो मैं सामान लाती गई और भरती गई। और अब जब मुझे वापस रीपैक करना पड़ रहा है तो मेरे पास लगेज कम और सामान उसका ज़्यादा दिख रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पैकिंग करूँ। सब ऐसे फैला पड़ा है और मैंने ठान ली है कि जब तक मैं ये सब क्लियर नहीं करूँगी मैं खाना नहीं खाऊँगी और मैं सोऊँगी नहीं। बट अगर जगह नहीं बची तो मुझे कल जाना पड़ेगा और एक बैग, बोलते ना यूज़ एंड थ्रो टाइप्स, कोई बैग ले आना पड़ेगा ताकि मैं यूज़ कर सकूँ। क्योंकि बॉम्बे में भी इट्स मेरा जो घर है वो 1 BHK है, तो उसमें भी मैं कितना बैग ले जाऊँगी मैं आपको बताती हूँ सारा मैस। तो यहाँ कुछ सामान पड़ा है, ये बैग मुझे ख़रीदना पड़ा, ये सब कबाड़ा पड़ा है, ये योगा मैट और ट्राईपॉड है जो खुला ही नहीं, आज तक मैंने योगा ही नहीं करा उस पर बैठ के। सोचा तो यार रहूँगी तो फिटनेस पे ध्यान दूंगी, वो भी नहीं हो पाया मुझसे। ये कुछ सामान रखा हुआ है वॉशरूम के अंदर, मेरा सब शैम्पू वैम्पू सब ऐसे पड़ा है। और ये जो मेरे ड्रॉर्स हैं इसमें मोस्टली मेरा कॉस्मेटिक्स रहता है, वो तो आप हालात से समझ रहे होंगे। तो ये फिर इसके अंदर भरा हुआ है, वो तो चलो अच्छा हुआ पैक है ऑलरेडी। और ये इसके अंदर बुक्स है और फिर थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक्स वगैरह भी है। तो अब ये सब मुझे पैक करना है, तो देखते हैं कि मैं ये सब कैसे पैक करती हूँ। मेरे पास एक बैग बचा हुआ है और इतना सारा सामान है, लेट्स सी कैसे जाता है। और कुछ 1.5 डे बचे हुए हैं मेरे ट्रांसफ़र को, मुझे छुट्टी भी दी गई है इसीलिए। तो मैं आपको पूरी जर्नी बताऊँगी मेरी कि मैंने कैसे जैसे पैकिंग करी, फिर उसके बाद कल मैं क्या करने वाली हूँ क्योंकि कल का एक ही दिन है, उसके बाद बॉम्बे पहुँचने तक। उसके बाद तो मैं अपने ब्लॉग्स में मम्मी और मेरी छोटी बहन को भी लेती रहूँगी, तो आप लोग उनसे भी मिलते रहेंगे क्योंकि वो फर्स्ट टाइम होगा मैं अपने ब्लॉग में मेरी मम्मी को ले रही हूँ लाइक प्रॉपर, वरना रोका वाले ब्लॉग में तो उनकी ग्लिम्प्स थी, बट अभी ऑफिशियली मम्मी भी कुछ बोल। कल मैं पैकिंग कर रही थी पर मोस्टली सारी चीज़ें बाहर ही है मेरी क्योंकि ऑलमोस्ट सब पैक हो गया है, बट थोड़ा बहुत बाकी है और उसके लिए मेरे पास बैग नहीं है। तो आज मैं जाऊंगी बैग लेके आऊंगी और मैं सोच रही हूँ लगे हाथ थोड़ा कुतुब मीनार और सरोजनी भी एक राउंड मार लूँ। तो पूरा दिन जैसे जाएगा आप सबको मेरे साथ मैं घुमाती रहूँगी। तो मैं अभी नीचे खड़ी हूँ और हमारा कैब आ रहा है, सॉरी कैब नहीं आ रहा है, रिक्शा आ रहा है क्योंकि रिक्शा थोड़ा 100 रुपये सस्ता था तो हमने वही ऑप्ट किया। और फिर अब हम जा रहे हैं कुतुब मीनार। गंदी वीजे बनूंगी अगर कभी बनी तो, पर मेरे साथ आप स्पेयर कर लेना ये सब थोड़ा।
बहुत धूप भी है तो मैं काली काली भी लग रही रहूंगी, वो भी देख लेना, मैनेज कर लेना थोड़ा बहुत, फिल्टर्स डाल देना. गुड आइडिया, हम फिल्टर्स डाल देंगे. अब हम आसपास का नज़ारा दिखाएंगे प्लीज. आसपास का हो गया, फिर से आ गई. नजारा मुझे भी देखो. तो हमने यहाँ पे बहुत सारी फोटोज खींची और वीडियो बनाया और अब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं. वैसे यहाँ पे एक्सप्लोर करने जैसा मतलब सिर्फ आप देख सकते हो मॉन्यूमेंट्स, बट ज़्यादा कुछ इतना लिखा नहीं है. खाली एंट्रेंस पे थोड़ा सा लिखा हुआ था. अब यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एडिशनल कि क्या था, क्यों था, किसने बनाया, किस लिए बनाया, कैसे डिस्ट्रॉय हुआ. तो ये सारी स्टोरीज अभी थोड़ी बाकी है, यहाँ पे है नहीं. और काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि सारे मोस्टली टूरिस्ट है और हमें फ़ोटो खींचने के लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी वीडियो बनाने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि कोई ना कोई पीछे से आ जा रहा था तो हमें रुकना पड़ रहा था. बट ठीक है, लोग बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, बेचारे खुद ही चले जा रहे थे खुद से ही. और आई शो यू अराउंड थोड़ा सा और उसके बाद देखते हैं हम यहाँ से कहाँ जाते हैं क्योंकि मुझे बैग भी लेना है पैकिंग के लिए. यहाँ पे काफ़ी लोग रील्स वील्स भी बना रहे हैं. जैसे मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रही हूँ तो लोग मुझे भी स्टेयर कर रहे होंगे, जैसे ये बेचारे सर को स्टेयर कर रहे थे सारे. तो इज ऑल्सो लाफिंग, इट्स ओके, वी ऑल आर क्रिएटर्स नाउ, है ना. मैं अपने आप को क्रिएटर बोल सकती हूँ मुझे नहीं लगता अभी तक, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद अब जाके मेरा ब्लॉग जा रहा है तो आई डोंट थिंक सो आई एम केपेबल ऑफ कॉलिंग माई सेल्फ अ क्रिएटर, बट देन इट्स फाइन. तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने के बाद और बहुत ज़्यादा गर्मी है इसीलिए हम सोच रहे हैं कि बस निकल जाए. और इसके तो हम यहाँ से अब जा रहे हैं बैग लेने क्योंकि जितना एक्सप्लोर करना था हमने कर लिया है. एग्ज़िट लेंगे उसके बाद बैग लेने जाना है. वी विल सी अगर हम सरोजनी जा रहे हैं या नहीं, बट ठीक है, पी लो, तुमको प्यास लगी होगी. हाँ, हम घर से ये टैंक बना के लाए हुए थे. लोकल्स के कहने पे कोई मार्केट में आए हैं, उस मार्केट का नाम है मेहरौली मार्केट समथिंग. तो हम बैग सर्च कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ही ऐसे लोकल बैग चाहिए यूज़ एंड थ्रो टाइप्स की, थोड़ा सा काम भी आ जाए तो चलेगा क्योंकि सिर्फ रिलोकेट करना है तो काफ़ी सारा सामान है हमारा. तो बहुत अच्छा टायर वाला बैग लेके मतलब नहीं है. और एक बैग पसंद आया है, अब अंकल थोड़ा सा बार्गेन में हेल्प कर दें तो हम यहीं से लेके फिर घर जाएँ क्योंकि काफ़ी थक गए हैं. बाहर से आने के बाद मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया एंड फाइनली आज मेरा मूवमेंट डे है. आज मैं रिलोकेट हो रही हूँ वापस अपने घर. तो रात भर मुझे नींद ही नहीं आई. ओ गॉड, मैंने इतना ट्राई किया सोने का. कुछ 3 बजे नींद आई एंड देन 6:30 आई वोक अप. अभी कुछ 7:15 हो रहे हैं. मैंने फॉर्मल्स पहन लिया है और रेडी होके फिर हम कुछ खाएंगे. और नीचे मेरा पिकअप भी आ चुका है और बस अभी रेडी होते हैं जल्दी जल्दी और उसके बाद जाते हैं नीचे.
गई हूँ, अपने घर भी पहुँच गई हूँ। मैंने सारा सामान ऑलमोस्ट सेट कर दिया है, लेकिन अभी अंधेरी जाना है मुझे मेरे ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वापस, क्योंकि अब मैं बॉम्बे से फ्लाई करूँगी। सो इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग। और मैं आपको अपनी मम्मी से भी मिलाऊँगी, थोड़ा सा टाइम दे दो क्योंकि शाम तक का मुझे वक्त लगेगा वहाँ पर ऑफिस में। फिर शाम को आके मैं अपनी बहन, अपनी मॉम सबसे मिलाऊँगी, तो बने रहे मेरे साथ। सारे डॉक्यूमेंटेशन वाले काम हो चुके हैं और मैं यहाँ पे बैठ के हमारी कंपनी की कॉफ़ी पी रही हूँ, और कॉफ़ी पी के हम मेट्रो पकड़ेंगे और जाएंगे घर, क्योंकि घर पे सब फैला पड़ा है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। सारा काम करके मैं अभी बैठी हूँ, अभी भी कुछ कुछ सामान थोड़ा लगाना बाकी है, वो तो चलता रहेगा एक दो दिन तक। और मैं आई थी, मुझे ये वेलकम गिफ्ट मिला है फ्रॉम समवन स्पेशल, और उसका नाम एक्चुअली इशिका है पर प्यार से हम सब उसे इशू बोलते हैं। फिर ये ब्लॉग हम करेंगे ख़त्म, क्योंकि बहुत टाइम से स्ट्रेच 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 होकर, मतलब कुतुब मीनार से लेके फिर एयरपोर्ट दिल्ली एंड देन फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड नाउ घर, वो काफ़ी लंबा हो गया है, खींच गया है, तो करते हैं। गाइस ये है मेरा छुटकू, हाँ बेटा, ये हमारी जो हाउस हेल्प है वो दीदी का बेबी है, और ये मेरा छोटा सा जानू है, ये अपने दादा को बुला रहा है। दादा फोटो, आ जाओ दादा। ये बेटा हमारी, आई मीन मेरी छोटी बहन और मम्मी से भी मिलाती हूँ। बैक कैमरा नहीं है, ये मुंह धो रही है फिलहाल। इसका चेहरा रोज देखने मिलेगा, बट ये फिलहाल बहुत बिजी है, मुंह धो रही है। और रुको ना मम्मी, ये है मेरी मम्मी माता श्री। इसी के साथ, छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ, मेरी छोटी सी फैमिली को मैंने आपसे मिला दिया, और अब ये ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इशू को बोलेंगे आज बोलने के लिए, इशू लाइक करो, कमेंट करो, जोर से बोलो, सुनाई नहीं देगा, जोर से बोलना होता है। लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, यू नो द ड्रिल गाइस। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। बाय।